हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम और आप मिलकर मना रहे हैं जन्माष्टमी का ये पावन पर्व, जिसका उत्साह, जिसकी खूबसूरती इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही है, जिसे मनाने के लिए हर कोई पहुंच रहा है मंदिरों में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए। तो आज का दिन बहुत खास है, फिजा में कृष्ण नाम की धूम गूंज रही है और ये भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ही मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है और देश भर के मंदिरों में तैयारियां किस तरह की हैं आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भक्तों का उत्साह कैसा है वो भी आप देख सकते हैं। भगवान के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाने से लेकर भोग की व्यवस्था भी की गई है। भक्त अपने आराध्य के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करेंगे और उनका अभिषेक भी करेंगे। श्रृंगार किया जाएगा, माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारी जाएगी और इस साल कान्हा का जन्मोत्सव 26 और 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। आज गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग जन्माष्टमी मनाएंगे तो कल यानी कि 27 तारीख को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। मथुरा की रौनक तो वैसे ही देखते ही बन रही है, कृष्ण की नगरी है और वहां पर तैयारियां खूब है, घर घर रौनक है। सुबह से ही कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर एक तरीके से जन समुद्र उमड़ रहा है, वहां पर भक्त कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आज सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं थी लेकिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि व्यापनी है। अगर हम बात करें तो जितने ज्योतिषीय हजारों साल के पंचांग उलट कर देख लें तो श्री कृष्ण जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहना है। लग्न इसमें वृषभ लग्न होता है और रोहिणी नक्षत्र होता है, चंद्रमा वृषभ लग्न में होता है, तो ये तीनों संयोग ऐसे होते हैं हर अष्टमी तिथि में, जन्माष्टमी में ये संयोग पाए जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अद्भुत हैं इसलिए उनके जन्म का समय भी अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि पूरे अगर 6 महीने इधर रखें उधर रखें तो ठीक बीच में भाद्रपद का महीना आता है। भाद्रपद के महीने में भी बीच में शुक्ल कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में अष्टमी तिथि आती है, यानी चंद्रमा न पूरा होता है न बिल्कुल गायब होता है, चंद्रमा आधा होता है लेकिन आधे में पूर्ण परम ब्रह्म कृष्ण का जन्म होता है, जन्म हुआ। और हम पिछले अगर पुराणों के पन्नों की बात करें तो पुराणों के पन्नों के मुताबिक तो 10 लाख साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहास के आधार पर बात करें तो ये कहते हैं कि 5252 साल कृष्ण को इस धराधाम पर आए हुए हुए, क्योंकि उस समय जो ग्रहों का संयोग था उसकी गणना की गई और उससे वो देखा गया। लेकिन आज हम बात करें तो ब्रजमंडल एक तो मधुरता का बहुत बड़ा संयोग है, यहाँ हर तरफ बस खाली वाणी में मिठास नहीं है लेकिन बाकी चीजों में मिठास है। तो इसीलिए किसी संत कवि ने कहा है कि बर्फी सी ब्रजनारी भई और पेड़ा सी गोपी गुजिया से ग्वाला, नंद महीप भय नमकीन रसखीर सी रोहिणी रूप रसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने मठरी सी रात में लडवा सो लाला। तो ये लोगों ने बखान किया है और कृष्ण का जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हर एक आदमी के हृदय में या मन में एक वृंदावन है और वहीं कृष्ण राधा यशोदा नंद वसुदेव देवकी और गोपिका ये सारे भाव ही हैं जो कृष्ण की लीला को आपके अंदर जागृत करते हैं। तो रौनक आज हर जगह दिखाई दे रही है और हर कोई जय कन्हैया लाल की गूंज के साथ इस पर्व को मना रहा है। इस्कॉन मंदिर में अलग तरह की रौनक है। जन्माष्टमी पर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में खास तैयारी की गई है। मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया, रंग बिरंगे गुब्बारे वहां पर लगाए गए हैं। देखिए वैसे तो इस बार जन्माष्टमी 2 दिन की मनाई जाएगी, आज और कल, लेकिन इस्कॉन मंदिर में आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज यानी कि 26 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा और ये तस्वीरें 6 तस्वीरें दिल्ली मुंबई कोलकाता के इस्कॉन मंदिरों की, जहां की भव्यता दिव्यता देखते ही बन रही है और ऐसी ही भव्यता और दिव्यता नोएडा अहमदाबाद और हैदराबाद के इस्कॉन मंदिरों में भी दिखाई दे रही है। सभी इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां और भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूं, मेरे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और मेरी दो सहयोगी श्वेता झा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से और साथ ही साथ हमारे साथ मनीषा लड्डा भी जुड़ चुकी हैं। तो चलिए श्वेता आप ही के पास आती हूँ, कहाँ है आप दिखाइए कैसी रौनक है वहाँ। सबसे पहले तो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ यानी कि दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेंपल में। यहाँ से सबसे पहले मैं हरि प्रभु को श्री के प्रभु को यही कहना चाहूंगी, जितने भी उनके जो पालनहार है जितने भी उनके श्रद्धालु हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अद्भुत तस्वीरें सीधे मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेंपल से, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी को बेहद खूबसूरत तरीके से सजावट यहाँ पर की गई है। और इस्कॉन की जो सुंदरता है, जो उसकी खूबी है, जो हर बार बताया जाता है कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की तादाद में आते हैं, और विशेष करके अगर हम सजावट की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी कई क्विंटल फूल बाहर से मंगवाए गए हैं और प्रभु के आंगन को किस तरह से सजाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो लगातार जारी है। कोई मोर पंख लेकर आया है, कोई आप देखिए कोई राधा कोई मीरा कोई गोपी बनकर यहाँ पर आया है। हर कोई अपने आप को मीरा या फिर गोपी या राधा के रूप में यहाँ देख रही है। आज की जो छटा है खास करके आपको बता दें इस्कॉन टेम्पल की, वो देखने लायक है। यहाँ प्रभु के चरणों में, श्री हरि के चरणों में आप जिस तरह से संजय जी से सुन रहे थे मथुरा से, उन्होंने बहुत ही ज्ञान की बातें वहां पर कही, लेकिन यहाँ जब कभी भी श्री हरि के चरणों के पास हम आते हैं, मैं आती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही अल्प ज्ञान है, और इसीलिए उनके पास आने के बाद ऐसा लगता है शब्दों की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि पूरे देश में, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस वक्त हर्षोल्लास है, और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज श्री हरि का जन्म दिवस मनाया जाएगा, आज प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा श्री कृष्ण का। इंतजार होगा रात के 12 बजे का, लेकिन उससे पहले से ही आपको बता दें इस बार अगर ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली की हम बात करें इस्कॉन की, तो यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की बात कही जा रही है। इसीलिए इस बार की व्यवस्था जो है पिछली बार से थोड़ी अलग है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि दिखा दे, यहाँ देखिए कीर्तन मंडली अलग से यहाँ पर लगी हुई है जो कि लगातार यहाँ पर कीर्तन कर रही है। बारी बारी से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक ग्रुप बैठता है कीर्तन करता है और उसके बाद फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आता है। बिल्कुल लगातार यहाँ पर कीर्तन जो है वो किया जा बिल्कुल रहा है। इसी तरीके से आपको बता दें इस बार नवजोत इस बार जो सबसे अलग बात है इस्कॉन की, जो कोई भी आ रहे होंगे यहाँ पर उनके लिए बता दें कि इस्कॉन में जब आप आएंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वृंदावन में जिस तरह से आप झांकी देखते हैं, प्रभु की लीलाओं की झांकी देखते हैं, वो इस बार झांकियाँ बनाई गई है। तो जो कोई भी यहाँ आ रहा है वो जरूर इसके दर्शन कर पाएगा। बिल्कुल लौटती हूँ मैं एक बार सीधा जरा मनीषा लड्डा के पास जाऊंगी। मनीषा आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ की रौनक एक बार दिखाइए हमें। नवजोत सबसे पहले आपको और जेएनटी के सभी दर्शकों को श्री हरि के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बिरला मंदिर में। हालांकि जो रौनक बाकी मंदिरों की नजर आ रही है वही मंदिर यहां बिरला मंदिर के भी है, और शाम होते होते जो रौनक है वो दुगनी होने वाली है। लेकिन श्री हरि की बात हो रही है तो सबसे पहले उनके दर्शन होना, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होना बेहद जरूरी है। तो हम सीधा आपको बिरला अंदर जो मंदिर है उसके एकदम भव्य दरबार पे हम लेकर आ गए, ताकि जो इंतजाम जो यहाँ पे किए गए हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले प्रभु के भोग की बात होती है, प्रभु के सब विशेष कार्यों की जो बात होती है वो दिखाना बेहद जरूरी है। तो 56 भोग के साथ 108 व्यंजन जो है वो यहाँ पे तैयार किए गए हैं जो प्रभु को भोग लगाए जाएंगे। रात 12 बजे का जो है सभी को बेसब्री से इंतजार है जब अभिषेक किया जाएगा प्रभु का जन्म का स्थान, जो जन्म जब प्रभु का होगा तो उस समय का बेहद सभी को इंतजार है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी इस वक्त मौजूद है, मैं आपसे पूछूंगी क्या कुछ विशेष इंतजाम आज के और क्या कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्व मंगलायतनो हरि।
भगवान लक्ष्मी नारायण जो दिव्य रूप में विराजमान है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में भव्य दर्शनों के लिए बिरला मंदिर प्रबंधक समिति ने पूर्णतः इंतजाम किए हुए, सुरक्षा से लेकर के दर्शनों से लेकर के किसी भी प्रकार से किसी भी भक्त को कोई तकलीफ या नहीं हो पाती। और जल अभिषेक की बात करूं तो शाम के टाइम क्या भव्य नजारा होने वाला और क्या कुछ चीजों का अभिषेक के समय जो है वो ध्यान रखा जाए? अभिषेक के समय में भी मंदिर के अंदर ही गर्भगृह में भगवान श्री हरि का जो लड्डू गोपाल के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है उनका अभिषेक होगा। दूध दही घी शहद इन पंचामृत चीजों से पांचों ही चीजों से पहले पूजन होगा, अभिषेक होगा, बिल्कुल पंचामृत से स्नान होगा और उसके बाद भव्य आरती होगी और उसी के साथ साथ भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और उसी समय सभी भक्तों को 108 ही भोगों का प्रसाद सबको वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, जो भोग लगाया जाएगा नवजोत वही प्रसाद जो है वो भक्तों को दिया जाएगा। और अगर मैं भक्तों की बात करूं तो मैं आपको गीता भवन जरूर लेके जाऊंगी, जो विशेष जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के लिए जो बनाया गया है। लेकिन जो भक्तों की भीड़ है वो बिरला मंदिर में शुरू हो गई है और सुबह से ही इसी तरीके की जो भीड़ है भक्तों की वो नजर आ रही है। बिल्कुल, एक एक कर कतार पे जो है भक्त सभी यहाँ पे आए हैं अपने प्रभु को देखने के लिए। जय कन्हैया लाल की। क्या बात है, क्या बात है लौटे हैं आपके पास। जय कन्हैया लाल की। एक बार रुक करते हैं जल्दी से, गुंजन हमारे साथ इस वक्त मथुरा से मौजूद है और गुंजन मथुरा की तो रौनक ही अलग है। और हमारे साथ इस वक्त चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है चंद्रांशु जी आपका। लौटूंगी लेकिन जरा एक बार गुंजन के पास चलेंगे। गुंजन मथुरा की रौनक ही अलग है, आज मथुरा नगरी इंतजार कर रही है अपने प्रभु का, उनके प्राकट्य उत्सव का और उस घड़ी का। बिल्कुल नवजोत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हर बार जब भी मैं जन्माष्टमी कवर करती हूँ तो हर बार मैं ये देखती हूँ कि बारिश जरूर होती है। 5000 साल पहले भी बारिश हुई थी जब तेज बारिश के बीच में वासुदेव जी अपने छोटे से कान्हा को एक टोकरी में रखकर गोकुल ले गए थे। और हर बार वो रिवाज, या तो यूं कहें कि मेघा खुद निभाते हैं या ईश्वर खुद वैसी ही स्थिति को पैदा कर देते हैं कि जो ब्रजवासी हैं और जो दूर दूर से आने वाले भक्त हैं वो महसूस कर सके जब कान्हा इस धरती पर जन्मे थे तो कैसा खूबसूरत वो दृश्य रहा होगा। अब मैं चाहूंगी कि आप सीधे दर्शन कर लें, मैं भागवत भवन में मौजूद हूँ और ये वो दुर्लभ दर्शन है जो लाखों श्रद्धालु हमारे अपने टेलीविजन स्क्रीन से कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन से देख सकते हैं। यही भागवत भवन जहां से भगवान का प्राकट्य होगा। करीब 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद कामधेनु गाय के अभिषेक के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा, प्राकट्य होगा और उसके बाद आरती की जाएगी। अद्भुत ये दृश्य है, अद्भुत श्रृंगार है। सोमचंद्र का नाम की ये पोशाक जिसे करीब 10,000 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है, मुस्लिम कारीगर हर बार इसको बनाते हैं, बहुत खूबसूरत ये पोशाक जो कि नजर आ रही है। और बहरहाल अभी पट लग रहे हैं, हालांकि जो पर्दा है वो ऐसा है जिसमें कि आप दर्शन कर सकते हैं लेकिन पूरी साफ तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। सामने से जो श्रद्धालु है वो बस एक बार भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं और उनको निकाल दिया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम यहां पर पूरे किए गए क्योंकि लाखों लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचते कल से लेकर अब तक मैं लगातार देख रही हूं, चाहे दिन रात कोई भी समय हो लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है उसके बावजूद भी लोगों की आस्था सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। बारिश में भीगे हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेते हुए आस्था से भाव विभोर ये तमाम श्रद्धालु जो दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम सभी को अब इंतजार उस पल का है जब भगवान दर्शन देंगे बाल रूप में, जब भगवान का प्राकट्य होगा। वो समय बहुत दुर्लभ होगा और इस बार तो उत्सव दोहरा इसलिए भी है क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, एक आज रात को और वृंदावन में रौनक हमें कल देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी गुंजन। ये तस्वीरें लगातार अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें दिखाते रहें क्योंकि लाइव सीधी तस्वीरें हैं। और यहीं से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे मथुरा वो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं भगवान के। एक बार शिल्पी के पास चलेंगे, शिल्पी कैसी रौनक है वहां पर?
देखिए बिल्कुल रौनक अगर जन्मोत्सव की होती है तो हम सबको पता होता है कितनी उमंग होती है, और अगर योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हो, कान्हा का जन्म हो, तो पूरी दुनिया मानो उत्सव के रंग में होती है। आप देखिए लखनऊ के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हैं, ये झलकियां हैं। राधा कृष्ण यानी कृष्ण की जो प्राण शक्ति है श्री राधा, वो भी है क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा भी नहीं मिलती ऐसा कहा जाता है। और जो श्रृंगार है देखिए वो सुनहरे रंग में किया गया है, यानी वो रंग जो उत्साह का है, जो उमंग का है, और जो एक तरह से उत्सव यहाँ अब शुरू होगा वो पूरी रात नहीं थमेगा, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन उत्सव का रंग कैसा होगा ये हम सुनकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में जो लोग लीन होते हैं वो गीत संगीत में जरूर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। तो हम चाहेंगे दो लाइन सुनाएं आप, क्योंकि माहौल बनते रहना चाहिए। जी जी जी, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरि हरि बोल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज जन्माष्टमी उत्सव है, तो आइए हम भी हरि नाम करते हैं कीर्तन। आप हमारे साथ गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये परम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बिल्कुल, तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के को लेकर के जो उत्साह है, जन्म को लेकर के जो उत्साह है, उसकी आपने सिर्फ झलक देखी है। क्योंकि जैसे जैसे संध्या होती जाएगी, जैसे जैसे रात्रि आएगी, क्योंकि रात्रि के प्रहर में जन्म हुआ था, वैसे वैसे ये उत्सव का रंग और ज्यादा गहरा होता जाएगा। और चाहे देश दुनिया में कहीं भी कृष्ण के भक्त हो, वहाँ ये उत्सव का रंग आपको दिखाई पड़ेगा। तो दर्शन आपके पास तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चलिए शुरुआत वान्या जी आप ही से करते हुए, बहुत बहुत बधाई आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। ये बताइए आज का ये जन्मोत्सव क्यों खास है और किस तरीके से हम तैयारी करें रात 12 बजे जिस वक्त प्रभु श्री कृष्ण प्रकट होंगे उस वक्त की। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद नवजोत जी, आज का दिन जो है बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन को हमें बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। जिन भी लोगों ने व्रत रखा हुआ है खास तौर पर उनके लिए, आप आज सभी लोग आज पूरा दिन जो है श्री कृष्ण के जो है भजन सुन सकते हैं। उनको आज के दिन आप बांसुरी जरूर चढ़ाएं, उनको मोर पंख बहुत ज्यादा प्रिय है, मोर पंख जो है आज आपको जरूर चढ़ाने हैं, इसलिए ये सारी चीजें आप अपने पास इकट्ठी कर लीजिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी लगेगा। आप श्री कृष्ण का जब 12 बजे जन्म होगा तो उससे पहले आपको मैं एक बार पूजा विधि समझा देती हूँ। आज के दिन आप सुबह उठकर, ऑलरेडी आधा दिन निकल चुका है, तो आज के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद अपने मंदिर को साफ करें गंगा जल छिड़के। उसके बाद आज के दिन जो है श्री कृष्ण को पीताम्बर रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, जो कि पीला रंग होता है, तो आज के दिन जो आप उनका श्रृंगार करेंगे तो उनकी श्रृंगार की सारी वस्तुएं जो है आपके पास होनी चाहिए। पीले वस्त्र जो है आज उनको पहनाने हैं। उससे पहले हम उन्हें हीरे के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनके जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस हीरे का जो आगे का पोर्शन होता है उसको सेपरेट कर देते हैं, तो उसके अंदर प्रसूति से पहले जो है श्री कृष्ण को उस हीरे के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो एक तरह से गर्भ के फॉर्म में होता है। उसके बाद जब आपका व्रत पूरा होता है, आज के दिन आपको पंजीरी भी बनानी है, आज के दिन जो है आप मखाने की खीर बना सकते हैं। इसके बाद इसमें आप लौंग इलायची जो आप जब आप उनको बाद में भोग लगाएंगे श्री कृष्ण को, लौंग इलायची पंचामृत से आपको आज उनको स्नान कराना है। 12 से लेकर 12:44 का ये जो मुहूर्त है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तुलसी का भोग लगाना आज के दिन आप श्री कृष्ण को बिल्कुल भी ना भूले। माखन मिश्री का भोग जो है वो आपको आज जरूर लगाना है। स्नान करें, धूप दीप पूजन पूरे दिल से
आस्था से जो है आपको आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। और ऐसा साइंटिस्ट भी कहते हैं, इवन रिसर्चेस भी कहती हैं कि आज तक भी जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, वो पूरी तरह श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाए हैं। और वो लीलाओं को समझना भी जरूरी है, खासतौर पर अगर हम कलयुग की बात करें। चंद्रांशु जी महाराज, आप अयोध्या से आते हैं, सतयुग की वो भूमि जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जीवन कैसा हो, समाज कैसा हो, कैसे समाज चले, उसके लिए लोगों को बताया था, लेकिन उन नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण आगे चल के और अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो आज अयोध्या किस तरीके से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रही है, बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जयंती परिवार के द्वारा संपूर्ण देशवासियों को हम कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। निश्चित तौर पर सूत्र तो आपने ही ले लिया कि त्रेता युग में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, फिर पुनः द्वापर में वही भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए। और उसका एक विशेष कारण यह है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे जाते हैं। भगवान राम के जीवन का वैशिष्ट्य यह था कि भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया वह भी करो, और भगवान राम ने जो कहा वह भी करो। पर भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वह लीला पर पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया वही करनी है, उन्होंने जो अपने आचरण से करके दिखाया वह बिल्कुल सब कुछ करने योग्य नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के होते हैं तब हलाहल कालपुट विष पूतना के दुग्ध के साथ पी लेते हैं, 7 साल के होते हैं तो 7 कोष के गोवर्धन गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन उठा करके रखते हैं। ऐसे उनके एक इतने विचित्र विचित्र लीलाएं हैं कि मनुष्य कर ही नहीं सकता। और बचपन से कहीं ना कहीं बोलते भी हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकव शरण ब्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वह कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, ऐसी घोषणा भी लगातार कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि आज का दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी का था, अगर हम मूल विषय से जोड़कर बात कह दें और भगवान श्री कृष्ण के गीता में कहे गए उस वक्तव्य को हम लोग दोहरा लें, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य जातमानं प्रजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, गो ब्राह्मण संतों की रक्षा करने के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। पर आज के दिन की बात कहें, सरकार ने यह नहीं लिखा कि भगवान अवतार ले रहे हैं, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, उन्होंने कहा कृष्ण कि नंद स्वात्मज उत्पन्न जात लादो महामन। भागवतकार वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि आह्लाद उत्पन्न हो रहा, जात लादो महामना अहो ये विप्राण वेदज्ञान जाता सचिर लंकृता, आनंद उत्पन्न हो रहा। और अभी भी कभी भी सुन रहे होंगे वृंदावन में अयोध्या में सब जगह एक ही धुन गूंज रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बेटा भैया कोई नहीं कह रहा, लल्ला भैया कोई नहीं कह रहा है, सब एक ही गूंज सबके मन में है कि नंद घर आनंद भयो, आनंद की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आनंद के कहीं ना कहीं पर्यायवाची है, सुख के पर्यायवाची है, सच्चिदानंद रूपाय आनंद के स्वरूप है, तो जब आनंद का स्वरूप सुख का सागर का जन्मदिन आए, उनकी जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, और फिर मस्ती में न हो, नाच गा न रहे हो, धूम न मचे, तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी कैसी है, माखन मिश्री न चले। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है जिस तरह से हम लोग मना रहे हैं, उसमें दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं 4 चांद लगता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर और उसी की रौनक, सही कहा, और उसी की रौनक आज हर जगह से हमें दिखाई भी दे रही है। अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, 2 दिन की जन्माष्टमी मनाई जा रही है आज और कल, दोनों में फर्क क्या, किस तरीके के विधानों का फर्क होगा, आज क्या करें और कल क्या करें? जी, सबसे पहले जीएनटी के दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज अखिलांड कोटि नायक परब्रह्म परमात्मा का जन्म है, तो शशंख चक्रम सकरेत कुंडलम शपेत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कोस्तु भास्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। तो जैसा कि आपने पूछा कि 2 दिन की जन्माष्टमी का, तो आज जो जन्माष्टमी है
तो रात्रि को जो प्रागट्य होगा परब्रह्म परमात्मा का, तो आज रोहिणी नक्षत्र भी है, जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि भी है और वह पूर्ण क्षण प्राप्त हो रहे हैं, पूर्ण योग लगभग जो उनके जन्मदिन के समय में पड़े थे। जो 27 तारीख की हमारी जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं वह उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन तिथि रात्रि में नहीं है और ना ही रात्रि में नक्षत्र है, तो उत्सव के लिए वो विशिष्ट है और वैष्णव संप्रदाय उसको मनाते हैं। और प्रायः वैसे अष्टमी दो बार आपने देखी होगी, दो दिनों में बटी होती है। तो कहने का तात्पर्य कि आज जिनका जन्मदिन है, प्रागट्य उत्सव है, वो उनका है। किनका? जो हमें कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो कर्म के पाठ के क्षेत्र में हमें कर्म योग बताते हैं, जिनने हमें गीता का ज्ञान सिखाया है, आज उनका जन्मदिन है, जो हमें ज्ञान की राह बताते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान का है क्या है। हर प्राणी को ज्ञान की जो है दिशा देते हैं, आज उनका जन्मदिन है, जो 99 गलतियों को माफ कर देते हैं, जो कि एक ही क्षण में वो सर को काटने वाले हैं, सुदर्शन चक्र उनके पास है। आज उनका जन्मदिन है जिनकी द्वारिका भरी वैभव नगरी से किनारे होकर के सुदामा के जैसे जो है बहुत ही जिसको कहें कि गरीब के वो मित्र बन के रहे, आज उनका जन्मदिन है, जो संपूर्ण जो है तो चक्र सुदर्शन होने के बावजूद भी अपने हाथों में उनने जो है मुरली को धारण कर रखा है। अर्थात जो हमें यह पाठ सीख देते हैं कि धर्म की राह यह है और धर्म की राह में चल करके हमें सदैव जो है सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए आज के दिन आप लोग जिस मंत्र का जाप करें, वह मंत्र अपने आप में उनके हजारों मंत्र हैं, सहस्त्र नाम है, विशिष्ट है, लेकिन एक मंत्र जो आपको हम बताएं विशिष्ट मंत्र, मंत्र क्या है? कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप अविरल यदि जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और शायद यह मंत्र बड़ा हो आपको लग रहा है, तो ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और साथ ही साथ मनाया जा रहा है गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं देश भर की रौनक, किस तरीके से कहां कहां भक्तों का उल्लास है और किस तरीके से भक्त इस उत्सव को मना रहे हैं आस्था और श्रद्धा के साथ। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मेरे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन श्वेता आपका रुख करना चाहूंगी, रौनक वहां की दिखाइए जरा। बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त 4:36 हो रहे हैं, लेकिन लगातार आपको बता दें चूंकि आज के दिन विशेष करके हर कोई प्रभु के दर्शन करना चाहता है, तो यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष करके आपको बता दें कि इस बार 10,00,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए बाहर से ही सुरक्षा जो है वो काफी चौक चौबंद है और साथ ही साथ डाइवर्जन भी बहुत सारे हैं। तो दिल्ली NCR से जो कोई भी लोग स्कॉन टेम्पल की तरफ आ रहे हैं वो पहले ही अपना रूट चेक कर ले और यहाँ पर आने के बाद, लेकिन आपको बता दें देखिए यहाँ जो व्यवस्था है सुचारू रूप से यहाँ पर सब कुछ चल रही है। यहाँ पर बकायदा जो है अलग अलग लेन बनाए गए हैं जिसमें कि श्रद्धालु दर्शन करके प्रभु के दर्शन करने के बाद सीधे वो इस लेन से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, लोग ज्यादा देर तक प्रभु के सामने नहीं रुक सकते हैं, लेकिन आज के दिन को हर कोई समझता है और हर कोई जानता है कि जो भी कोई इस धरती पर अवतरित हुआ है, जिस किसी ने भी जन्म लिया है, हर कोई आज के दिन एक बार अपने ईष्ट को, एक बार अपने श्रीहरि को आज देख लेना चाहता है। रात 12 बजे की बात अलग है जब प्रभु का प्राकट्य होगा, जब उनका जन्म होगा, लेकिन इस वक्त आज के दिन की बात, आज के दिन की महत्ता अलग होती है। इसलिए बहुत लोग जो दिन के समय में आ सकते हैं वो स्कॉन टेम्पल आ रहे हैं। आपको बता दें रोज की तरह आज जो है सुबह सुबह 4:30 मंगला आरती हुई है और अब से कुछ ही देर पहले अभी महाभोग भी लगाया गया है। तो पूरे दिन आज जो है इसी तरह से पूजा पाठ प्रार्थना चल रही है, साथ ही साथ लगातार यहाँ कीर्तन का दौर जो है वो जारी है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था एक मंडली बैठी थी, वो जब उठ के गई है तो ये दूसरी मंडली यहाँ पर आई है जो लगातार कीर्तन कर रही है और अखंड कीर्तन इसी तरह से यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। रात
12 बजे जब श्री हरि का प्राकट्य होगा, जब उनके दिव्य दर्शन हम सबको मिलेंगे, उसके बाद जाकर प्रसाद और भोग ग्रहण करने के बाद फिर लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और उसी घड़ी का हर किसी को इंतजार है। शिल्पी, आपका रुख करते हुए जरा वहाँ की तस्वीरें भी हमें दिखाइए, कैसी रौनक है दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए रौनक तो देखने से समझ में आती है, लेकिन इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन संध्या के समय जब आरती होगी और जब उसके बाद गीत संगीत यानी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन तो होता ही है, भजन होते हैं, उस वक्त यहाँ का दृश्य बिल्कुल देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच कृष्ण और राधा यानी कि आप जो मोहिनी मूरत लोगों के मन में बसी हुई रहती है हमेशा, उनको देखिए कि किस तरह से श्रृंगार किया गया। वैसे श्रृंगार रोज ही भव्य होता है, लेकिन आज की बात कुछ और है, क्योंकि आज एक बेहद खास दिन है और आज का के दिन का इंतजार सब लोगों को रहता है, और ऐसे में जो कृष्ण के भक्त हैं उनको तो रहता ही है। आप बताइए, आज के दिन का इंतजार हमेशा सब लोगों को रहता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो तो इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज का दिन बहुत दिव्य दिन है, क्योंकि आज हमारे कान्हा का जन्मदिन है, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हालांकि भगवान अजन्मा है, भगवान को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो आज का दिन बहुत ही आनंद का दिन है, भक्ति का दिन है। जितना हो सके हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान के उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो क्या कुछ विशेष यहाँ? आज बहुत सारा स्पेशल है, बहुत सारा विशेष है। आज सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर सैकड़ों भक्त का भीड़ हुआ, और उसके बाद से 7:30 बजे भगवान की श्रृंगार आरती, फिर भगवान गुरु आरती, गुरु आरती के बाद 9:30 बजे से अविरल कीर्तन, और शाम को 5 बजे यहाँ पर इस्कॉन गर्ल फोरम के कई कार्यक्रम होंगे, कल्चरल एक्टिविटी, इस्कॉन यूथ फोरम की कई कल्चरल एक्टिविटी, फिर शाम को पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी का भजन कार्यक्रम है, ठीक है ना, कौन बनेगा कृष्णा डिवोटी, जो कि हमारे जो शास्त्र है भगवद गीता है उनसे आधारित प्रश्न है, यानी कृष्ण के जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सके, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम है, गीत संगीत तो है। तो ये जो समारोह है ये अभी शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच भक्तों के आने का सिलसिला आप देख रही हैं कि लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने मन की बात कान्हा से कह रहे हैं, क्योंकि कान्हा से अच्छा मित्र, आदर्श मित्र कोई नहीं। अब शिल्पी ने यहाँ पर मित्र की बात की है, शिल्पी मैं लौटती हूँ, हम कह सकते हैं कि कान्हा से अच्छा गुरु नहीं, कान्हा से अच्छा बेटा नहीं, कान्हा से अच्छा भाई नहीं, कान्हा से अच्छा मित्र नहीं। वान्या जी, कान्हा वो है जिनमें हम जीवन के हर रिश्ते, हम समाज के हर रिश्ते को देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन हम उनके बाल्य रूप की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्यान किया आपने नवजोत जी, एक एक शब्द जो आपका था वो बहुत ही अद्भुत था। श्री कृष्ण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जीवन में, श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सिखाया कि कैसे हम उतार चढ़ावों का सामना कर सकते हैं, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया जिस विधि राखे राम, ईश्वर हमें जैसे भी रखता है हमें हर सर्कमस्टांसेस में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सैल्वेशन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान सिखाया, आज की रात को मोह रात्रि भी कहते हैं, श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल का रूप है, जो लड्डू गोपाल का रूप है, उसकी हर घर में पूजा होती है, कहते हैं जब वो लड्डू गोपाल घर में स्थापित होते हैं तो उस पूरे घर की एनर्जी ही चेंज हो जाती है। श्री कृष्ण के जितनी भी टीचिंग्स है, श्री कृष्ण ने हमें नटखटपन सिखाया, इनोसेंट रहना सिखाया, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में अपना इनर चाइल्ड जो है वो हमें कभी भी नहीं मारना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें जो सिखाया, जो श्री कृष्ण की कलाएं हैं, उन कलाओं, वो कलाएं अगर खेल हैं तो वो उन कलाओं का ज्ञान होना ही अपने आप में एक पूजा है। आज के दिन बहुत ज्यादा खास है, आज के दिन आप कुछ मंत्रों का जाप जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोकुल नाथाय नमः, क्लिंग कृष्णाय नमः, ये सारे मंत्र आज आप जाप करते रहिए। पंडिरी का भोग आज के दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। आगे जानेंगे, हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज है। चंद्रांशु जी, हालांकि हमेशा आप हमें प्रभु श्री राम की बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन एक छोटी सी कथा अगर आज श्री कृष्ण की आप सुना देते। सभी लोग बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भाववश भगवान अपने भक्तों के आदमी होते हैं। सूरदास जी ने लिखा है उनके लिए कि शेष महेश सुरेश दिनेश
गणेशो जाहि निरंतर धावे, नारद से सुख शेष रचे पचिहारी तव पुल पार न पावे, ताई अहिर किसको हरिया छठिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा की संज्ञा ही होती थी अड़ो रणियान महतो महियान, वह बड़े हैं तो रोम रोम प्रचिला गई कोट कोट ब्रह्मांड, और छोटे हैं तो इतने हैं कि तृणा तक सुनी चेने एक तिनके से भी वह छोटे हो जाते हैं। मुझको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो भगवान की वह लीला हमेशा हमारे चित्त को आकर्षित करती है कि भगवान इतने बड़े होकर के भी, भगवान को सब छोर कहते हैं और सब लोग जानते हैं अभी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः की चर्चा अभी आचार्य जी कर रहे थे, पर एक भगवान की जो स्तुति करते हैं वो छोर के रूप में भी करते हैं। उनके लिए एक स्तुति आती है, ब्रजे प्रसिद्धम नौन चौरम गोपांगना नाम दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रणीयम पुरुषम नमामि, उनको छोरों का अग्रणी मान करके उनको प्रणाम करते हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण उतनी चोरी नहीं करते जितनी उनकी चर्चा होती है। उनको सबसे अच्छी बात यह लगती है कि गोपियों को जब लगता है कि अपने घर में भगवान को बुलाना है, सब करती क्या है, कोई न कोई बहाना ढूंढती है, बहाना ढूंढ करके नंद रानी यशोदा मैया के पास में जाती है और कोई न कोई चोरी का रास्ता बताना होता है, जिस तरह से चोरी करवाना होता वैसी जा करके उलहना देती है यशोदा मैया को, और भगवान कृष्ण उनके हृदय के भाव को समझ जाते हैं और पुनः चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके लिए उल्लेख आता है कि नसुण सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टा, वेदांत कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि मैंने देखा है, श्री सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टा गोधूर सर चरितांग है व्यत्यति वेदांत सिद्धांत, जो वेद का सिद्धांत है, वेद जिस परमात्मा के लिए नेत नेत ना इतनी नाई थी, बड़ी बड़ी कई कई अध्यायों में चैप्टरों में वर्णन करते हैं, फिर पूछते हैं जो श्रोता होते हैं कि इतना ही है, तो कहते हैं ना इतना ही, अभी बहुत सारा है हम नहीं पूरा कर सकते। वह परमात्मा ताही अहिर के सो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, गौशाला में गए और गोपी को कहते हैं थोड़ा समझ को दूध दे दो माखन दे दो, गोपी कहती है मुक्त का तो कुछ नहीं मिलेगा, लाला अगर दूध चाहिए तो नाच के दिखाना पड़ेगा। वह इतना बड़ा भगवान थोड़े से मक्खन के लिए दूध के लिए उस गोपी के सामने ताता थैया करके नाच नचते हैं, नृत्य करके फिर वह कहीं ना कहीं उस मक्खन को लेते हैं, दूध को लेते हैं। तो जो भगवान की यह लीला है वो इतनी विलक्षण विलक्षण है, और नवजोत जी एक सेकंड में केवल वो दृश्य भी नहीं भूलता। मैं वृंदावन 2005-06 में भागवत जी का अध्ययन कर रहा था, तो जहाँ पर कात्यायनी मैया का मंदिर है, जब मैं यमुना जी जाता था, वृंदावन का मतलब ही होता है कि तुलसी का वन पूरा, तो जब भी निकल के आता था तो एक सयानी गोपी है जो यह चाहती थी भगवान से कि कभी भगवान हमको मिले, भगवान उसके हृदय की बात को समझ लेते हैं, और समझ करके आज रास्ते में मिल गए। वो मटकी में जल लेकर के चल के आ रही थी, कन्हैया को जैसे सामने से देखती है वह तो बावरी हो जाती है, बावरी होकर के उसकी चित्तवृत्ति काम करना बंद कर देता, अपलक दृष्टि से भगवान को देखने लगती है कन्हैया को। कन्हैया भी बगल से निकलते हैं और निकलते हुए नटखट तो वही है, उस गोपी के आंचल को पकड़ लेते हैं, जैसे आंचल को पकड़ करके खींचा वैसे उस गोपी ने देख करके अंदर से तो इतनी प्रसन्नता हुई, बाबरी हो गई थी, पर ऊपर से उसने गुस्सा का दिखावा करके जोर से कहा, मुन चांचलम चंचल पशलो के, हे चंचल मेरे आंचल को छोड़ दो, इस तरह दिन दहाड़े आप इस तरह सबके सामने अगर मेरे आंचल को पकड़ोगे तो बालों से ना लोग ऐसे कलंकम, लोक में मुझ पर कलंक लग जाएगा कि इस तरह से इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका रहन सहन ठीक नहीं है, इस तरह पकड़ना ठीक नहीं है। तो जैसे जोर से डांटा वैसे कन्हैया ने उसके आंचल को छोड़ दिया, वो गोपी थोड़ी आगे बढ़ गई और फिर तिरछी कटाक्ष नैनों से कन्हैया की तरफ देख करके कहती है, हे कन्हैया सच कहें तुम तो केवल गाय चराने में पंडित हो, भावम न जाना विलासिनी नाम गोपाल गोपालनम पंडितोषी, हम गोपियों के हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम का अथवा समुद्र है, तुम उस भाव को जानते ही नहीं, तुम तो केवल गैया चराने में पंडित हो, तुम केवल गैया चराना जानते हो, प्रेम करना तुम नहीं जानते। बहुत ही खूबसूरती से, हाँ बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं और आपने बहुत ही खूबसूरती से इसका बखान भी किया है। पंडित अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज के दिन उपवास का भी बहुत महत्व होता है, और दो बार जैसे वान्या जी कह चुकी है पंजीरी का बहुत महत्व, और धनी की पंजीरी शायद बनाई जाती है। जी, जब आप जो उपवास का जो है पारण करते हैं तो आपकी वो धनिया की पंजीरी होती है, उस पंजीरी से आप जो है पारण करते हैं,
और आज के व्रत की महत्वता बहुत ही अत्यधिक है। आप साल में जो एकादशी व्रत रहते हैं, तो व्रतों में एकादशी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि व्रतों में मैं व्रत एकादशी हूँ, लेकिन आज के दिन जन्म के दिन उनके जो है जो व्यक्ति व्रत रहता है वो हजार एकादशी के बराबर महत्वपूर्ण है। और जैसे कि अभी सुधांशु जी ने बड़े ही अच्छे से अखिलांड कोटि नायक का जो है बहुत अच्छे से वर्णन किया, जो उनने कहा बड़े ही साधारण शब्दों में कि छछिया वर छाज के लिए एक त्रिलोकी नाथ जो जिसके विषय में कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगा, वह परब्रह्म परमात्मा को इतने अच्छे से जो है आप समझ लें कि जब आप उस परब्रह्म परमात्मा को भजेंगे ध्याएंगे उसका स्मरण करेंगे तो आपको चहुमुखी धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध की प्राप्ति होगी। और उनके विषय में कहते हैं क्या कि स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा, चहुमुखी से आपके जो है सदैव जो है शुभ समाचार प्राप्त होंगे। और जो व्यक्ति उनको भजता है श्री की प्राप्ति कैसी होती है उनके विषय में कहा गया है श्रीदह श्रीसा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रय श्रेया, अर्थात वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा के ऊपर जब उन्होंने कृपा की तो सुदामा जो है इतना अत्यधिक धनवान हो गए कि उनके जैसा कोई धनाढ्य नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन परब्रह्म परमात्मा का आज जन्म दिवस है, आज उनका जन्म दिवस है, प्रागट्य दिवस है। और आज के दिन यदि आप ध्याते हो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, किसी भी प्रकार का आपका भय नहीं रहेगा, कोई आपकी जो है ऐसी अरिष्ट अकाल मृत्यु नहीं होगी। और कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार बंधनात् अर्थात संसार के बंधन से भी मुक्त होना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज। चलिए एक बार सीधा चलेंगे, गुंजन भी हमारे साथ मौजूद है। गुंजन दिखाइए तस्वीरें, वहां पर कैसी रौनक है। बिल्कुल नवजोत, मैं यहां की तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रही हूं। यहां पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्त लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आमतौर पर जो मंदिर है वो सिर्फ 12 घंटे खुलता है, लेकिन आज भगवान भक्तों को 20 घंटे के लगभग दर्शन देंगे, तो यानी कि देर रात तक इसी तरीके से दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन सबसे खूबसूरत है यहाँ भाव और भक्तों की भक्ति जो सबसे ऊपर नजर आती है, लोगों में आस्था है और इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं उनमें आप देखेंगे प्राकृत चतुर्भुज रूप में भगवान का जब हुआ था तो पद्म कांति पुष्प में विराजमान होकर भगवान आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो पोशाक है वो बहुत खास है, चंद्रवंशी भगवान अब की बार जो पोशाक धारण किए हुए हैं, जो इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो पीताम्बर पर सोम वर्ग की लता है बेलपत्र बनाए हुए हैं, इसीलिए इसका नाम सोम चंद्रिका रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके बाद रात 1:30 बजे तक जारी रहेगा, शहर आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। बिल्कुल गुंजन, इंतजार है उस पल का जब भगवान का प्राकट्य होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं नवजोत, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होता है उसे भागवत भवन कहते हैं और भागवत भवन इसीलिए कहा जाता है, इसको भागवत में जिन भी पंक्तियों को जिन भी लीलाओं का जिक्र किया गया है भगवान की वो इस भागवत भवन में उकेरी गई है। अगर हम देखें तो कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर रास लीलाओं तक का चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसीलिए ये दृश्य नजारा बेहद खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत है। तस्वीरें दिखाते जी, एक बार चलते चलते श्वेता आपके पास आना चाहूंगी, दिखाइए जरा वहाँ किस तरीके से भजन कीर्तन चल रहा है। तो आपको दिखाऊंगे लेकिन थोड़ी देर में हम आपको कृष्ण की लीलाओं की झांकियां भी दिखाएंगे जो अभी हमें गुंजन कह रहे थी। लेकिन कृष्ण को लीलाधर भी कहते हैं इसीलिए क्योंकि जितने भी अवतार लिए गए हैं यहाँ पर प्रभु के उसमें कृष्ण ही जो है जिन्होंने लीला किया था। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की ईस्ट ऑफ कैलाश के स्पॉट में आपको बता दें यहाँ पर उनकी अलग अलग लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है। थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे और आपको बता दें मंदिर प्रांगण में ही अलग अलग लीलाएं कृष्ण की जो अनगिनत है और बेहद
खूबसूरत, और बच्चों को तो बालका से सुनाने के लिए माताएं जो हैं वो इंतजार करती हैं कि वो अपने लल्ला को उनके बालका की लीलाएं जो है वो सुनाए। लेकिन जहाँ तक यहाँ की पूजा अर्चना और यहाँ की आरती और यहाँ लोगों के आने की आप बात कर रही है, तो आप देखिए लगातार लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, कोई कृष्ण की भूमिका में है, कोई राधा की भूमिका में है। इंतजार वही रात के 12 बजे का है, लोग आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अभी श्वेता इंतजार हर कोई कर रहा है और भक्त अपनी अपनी तरफ से अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आप कह रही थी कि अलग अलग लीलाएं जिसका मंचन यहीं पर बाहर हो रहा है, हम आपके पास लौटेंगे।